चलिए अब लेते हैं खास खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी कसरत शुरू हो चुकी है। दांव पैंतरे चले जा रहे हैं, हर दल अपनी जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच भाजपा ने फिर अपने चुनावी अचूक अस्त्र यात्रा की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। ये यात्राएं भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शुरू की गई है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी अर्थात भाजपा 3 पूर्व और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यात्राओं की शुरुआत की है। देखिए ये खास खबर। है हुंकारा, है हुंकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा। है हुंकारा, है हुंकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा। महाकाल का जय जयकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा। क्या है यात्रा के पंच तत्व? जन जन तक पहुंचने का प्रयास जन आशीर्वाद यात्रा। प्रदेश की 210 विधानसभाओं अर्थात लगभग 8 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच रही है। जनता से सुझाव, जन आकांक्षा पेटी के माध्यम से जनता के सुझावों को कलेक्ट करेगी यात्रा। 18 दिन में 90 दिनों के कार्य दिवस को पूरा करेगी यात्रा। हर क्षेत्र में जाने की रणनीति। प्रदेश के 10,600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के भूभाग को कवर करेगी यात्रा। समग्र संपर्क व संवाद की योजना। यात्रा के दौरान 1,000 से ज्यादा स्वागत समारोह, 600 से ज्यादा रथ सभाएं, 250 के आसपास मंच सभाएं, लगभग 50 बड़ी जनसभाएं। कलेक्टिव लीडरशिप की छाप। केंद्र और राज्य के नेता इस यात्रा के दौरान सभी जगह पर अलग अलग दिन शामिल रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में दिख रहा सामूहिक नेतृत्व। रथ पर 12 नेताओं की तस्वीर। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता के कल्याण के लिए राजी मोदी जी और मामा जी, जोड़ी कमाल है बाबा जी। मध्य प्रदेश को प्यारी जी, विकास की लंबी बारी जी। भाजपा और यात्राओं का संबंध पुराना है। भाजपा के संगठन को चुनावों के लिए तैयार करने और जनता के बीच पहुंचने के लिए भाजपा यात्राओं का सहारा लेती रही है। ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि भाजपा को चुनावों में यात्राओं का लाभ मिलता है। 1990 की राम रथ यात्रा और 1993 की एकता यात्रा ने बीजेपी को ताकत दी और 1996 में बीजेपी पहली बार अपना प्रधानमंत्री बना पाई। 1997 में भाजपा की स्वर्ण जयंती यात्रा निकाली और 1998 के चुनावों में फिर भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और सरकार बनी। भाजपा मध्य प्रदेश में भी यात्राएं पहले निकालती रही, उसे सफलता भी मिलती रही। इस बार की यात्रा में विशेषता यह है कि यह एक नहीं बल्कि 5 स्थानों से निकली है। इसमें कोई एक नेता नहीं बल्कि प्रदेश और केंद्र के अनेक नेता शामिल हो रहे हैं। यात्रा के पोस्टर पर भाजपा ने हर क्षेत्र और समाज के नेताओं को जगह दी है। मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार दिशा में करता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि कई बार चुनावों में हमारी विधानसभाएं कुछ छूटती थीं,
क्योंकि एक ही यात्रा निकलने के कारण से सभी विधानसभाओं में नीचे तक पहुंचना संभव नहीं होता था, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम पांच यात्राएं, जिससे हम पांचों यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें, ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है। और इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्राओं का समाज में एक अलग प्रकार का जो एक वातावरण, यात्राओं के कारण से जिस प्रकार की जो चीज़ों को नीचे तक ले जाने का जो प्रयास होता है जागरण की दृष्टि से भी, तो इस नाते से आज यह जयघोष भारतीय संस्कृति का उद्घोष बना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी इस मंत्र पर जब हम नीचे निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों का कल्याण इस उद्घोष के साथ सर्व समाज के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयासों से आज हम गरीब कल्याण के काम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी गरीब कल्याण से जन कल्याण और प्रदेश की प्रगति में जो अविरल यात्रा तय की है, उस यात्रा का सार और परिणाम आप सभी के समक्ष रखने और आगामी यात्रा के लिए आपके विचारों को जानने भाजपा मध्य प्रदेश में इस मंत्र पर कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गरीबों के कल्याण को लेकर के हम संकल्पित हैं। ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ हो गई और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धुनी वाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए जो भोपाल पहुंचेगी और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, ये यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें, ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के उनसे अनुरोध किया है। तो इसलिए यात्रा के जो पूरा डिटेल के तौर पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि कितने किलोमीटर ये सारी यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली वहां पर ये समाप्त होंगी, लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। आप सबको ध्यान में, पत्रकार मित्रों को, कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आते हैं, 25 सितंबर हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन अंत्योदय का विचार दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती 25 सितंबर को होती है। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ, और कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग इस कार्यकर्ता महाकुंभ में सम्मिलित हों। प्रत्येक बूथ से 6,523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं, उन बूथों से बूथ समिति, जिसको हमने डिजिटल और आज के समय के तकनीक से युक्त होकर के हमने डिजिटली इनरोल्ड किया है, और लगभग मध्य प्रदेश के इस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं
तो बूथ समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आए, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है, तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं, तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा का जो मैंने पूरा विषय वो आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। पार्टी पहली बार एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। 17-18 दिन में ये यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। पार्टी का दावा है कि महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री पद पर चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में तोमर बोले, अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। देखिए, जब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, तो सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से कोशिश ये है, वैसे 3 महीने लगते हैं पूरी यात्रा को, फिर भी राज्य पूरा नहीं होता, और ये 18 दिन में 92 दिन की यात्रा पूरी होगी। हर दिन शिवराज सिंह जी भी इस यात्रा में रहेंगे और बाकी जो प्रदेश के नेता हैं उन सब लोगों का भी समावेश इस यात्रा में होगा। दूसरा, जब यात्रा होगी तो निश्चित रूप से यात्रा में हमारी उपलब्धियां भी लोगों के पास जाएंगी और यात्रा में कांग्रेस के घोटालों को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक दल है, एक ही स्थान पर अनेक लोग हैं जो चुनाव लड़ने की पात्रता और क्षमता रखते हैं, लेकिन चयन एक की तरफ ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का भरोसा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी चयन किए 39 सीटों पर और आगे भी चयन होगा, और हम सब लोग मिलकर अगर कोई परिस्थिति खड़ी होगी तो उसको नियंत्रण में करने में सफल होंगे। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के, कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं।
इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। आपने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2024 तक हर आवासहीन को हम आवास उपलब्ध कराएंगे और इस दृष्टि से एरिया भी बढ़ाया, राशि भी बढ़ाई और आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है, शहरी क्षेत्र में भी उपलब्ध हो रहा है। एक लक्ष्यावधि के भीतर इसको जीरो करना है और बहुत सारी चीजों में हम जीरो कर भी सकें और उसी का परिणाम है कि देश में अगर हम देखेंगे तो 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो 1,36,00,000 लोग गरीबी से ऊपर आए हैं। ये गरीबी समाप्त हो ये अभिशाप है, इसी लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। देखो भैया, दरअसल ये जन आशीर्वाद यात्रा है और जनता के पास जाने के लिए यात्रा है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें लाखों लोगों को एड्रेस किया जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा और उनको 25 तारीख के महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक बार फिर बीजेपी यात्राओं के जरिए फिर जनता के बीच पहुंच रही है। इन यात्राओं में केंद्र के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। यात्राओं का समापन 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में होगा। इसी दिन बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की बात कह रही है। जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को कितना लाभ होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, सादा न्यूज। आगे बढ़े शिवराज हमारा है, हुंकारा है हुंकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा, महाकाल का जय जयकारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा, मारे माँ का राज दुलारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा, जनता ने है जिसे दुलारा, आगे बढ़े शिवराज हमारा।
जिसने भी उसे पुकारा है, है नए दौर का संबल वो बूढ़ी आंखों का तारा है। छोटे बड़े में फर्क करे शिवराज का ये दस्तूर नहीं, दिया स्वाभिमान का हक सबको मजदूर भी अब मजबूर नहीं, कल्याण किया है जन जन का घर घर भेजा है उजियारा। है ओंकारा है ओंकारा आगे बढ़े शिवराज हमारा, महाकाल का जय जयकारा आगे बढ़े शिवराज हमारा।